वो उसके दिल की आवाज़ निकली है, उसका रेस्पेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सपोर्ट करें। मेरी तरफ से यही है, वो जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो सपना चौधरी का स्नैपी गर्ल्स का आप लोगों ने वीडियो देखा, मेरी वीडियो भी आई होप आप लोगों ने देखी होगी। उसकी जो जेठानी है यानी कि मनस्वी व्लॉग्स जो रेखा है, उसने भी सपना का समर्थन किया है। बहुत कुछ उसने भी एक्सपोज किया है कि ऐसे ही है इसके ससुराल वाले और सच कह रही है सपना, जो कि मैंने आपके साथ क्लिप शेयर की है। और काफ़ी कुछ उसने अपना भी बताया है कि कैसे जेठानी के कहने पे हस्बैंड जो है मारना पिटना सब कुछ करते थे। आप लोग ये सोचिए, हमने जब इसका रेखा का ये वीडियो देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि आज इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ भी अगर इस तरह की घरेलू हिंसा हो सकती है, तो जो आम लड़कियां जाती हैं शादी करके उनके साथ और उनको अगर इस तरह का ससुराल मिल जाता है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ पसंद उनको अगर ऐसा टॉक्सिक इन-लॉज का घर मिल जाता है तो वो कैसे सर्वाइव करती होंगी। कई केसेस सामने आते हैं, कई केसेस छुपा दिए जाते हैं, कई केसेस को दबा दिया जाता है, लेकिन घरेलू हिंसा आज भी लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये घरेलू हिंसा जो है वो सिर्फ एक एज ग्रुप के साथ ही नहीं चलती है कि नई शादी हुई है 2 साल चलती है। कानून 7 साल के अंदर तक के लिए बना हुआ है कि 7 साल के अंदर का अगर है तो डाउरी केस बन सकता है, हिंसा का केस बन सकता है। लेकिन हमने कई जगह ये भी देखा है कि काफी उम्र दराज महिलाओं को भी घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसके आंकड़े कई बार शर्म के मारे औरतें नहीं बता पाती हैं, कई बार परिवार के दबाव के कारण नहीं बता पाती हैं कि बदनामी होगी, और बदनामी के डर से कई चीजें छुपा ली जाती हैं। आजकल है सोशल मीडिया का जमाना, जो चीज पहले छुपा ली जाती थी अब वो बेखौफ होके लड़कियां जो हैं वो बताने लगी है, औरतें बताने लगी हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। महिलाओं के प्रति कानून काफी सारे बन गए हैं, अब आपको महिलाओं के लिए काफी सारे कानून है, महिलाओं की सुनवाई है, अगर कोई थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है तो भगाया नहीं जाता है, सुनवाई होती है, रिपोर्ट लिखी जाती है, एक्शन भी होता है। लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं के प्रति अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं, चाहे महिलाओं के प्रति कैसा भी अपराध हो लेकिन वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आंकड़े अब सरकार तो देखिए आंकड़े बहुत कम कर देती है कि ऐसा है, घटा है, ये घटा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर डे हम लोग को अगर कोई न्यूज देखता है, चैनल देखता है, पेपर पढ़ता है, सोशल मीडिया पे, तो ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। और ये घरेलू हिंसा तो तकरीबन हमें लगता है हर 5 से 10 घरों में छोड़ के घरों में होता है। जब रेखा ने बताया तो काफी तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा, और दिल में ये भी आया कि एक डॉक्टर जो इतनी पढ़ी लिखी है, काबिल शायद मेंटली फिजिकली और वेल्थ के हिसाब से भी, मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो भी नहीं बच सके इस घरेलू हिंसा से, तो आम बच्चियां तो क्या ही बच पाती होंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, कि एक औरत होने के नाते उसने सपना का दर्द समझा, और आज वही जेठानी जो एक समय में सपना के शायद थोड़े दिन के लिए खिलाफ भी खड़ी हुई थी, आज वही उसके साथ है, और उसने तस्दीक की है कि जो भी सपना अपने वीडियोस पे बता रही है वो सच है, और इनके घर का ये सच है, काला सच है, और वो सच बोल रही है। क्योंकि उसको भी यही सब चीजें इनके घर में फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि रिलेशन है आपस में इनके इन लॉज का और उसके इन लॉज का, रिश्ते में जिठानी या देवरानी लगती है, तो उसने भी इस चीज की तस्दीक की है कि इतनी खौफनाक तकलीफें जो है वो सपना चौधरी झेल रही है, झेली है, और आज भी उसको इतनी ही तकलीफ इन लॉज के तरफ से दी जाती है। अपने घर से अगर वो चाहे किसी को बुलाना, क्या अगर ससुराल में बेटी है तो क्या वो अपनी माँ को नहीं बुला सकती, अपने परिवार को देखने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो आज भी नहीं कर सकती। मैके गई है 2 बच्चों के साथ, लेकिन वो घर की गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकती, जबकि उस गाड़ी में उन्हीं के घर के पोतियां गई हैं, सेफ्टी का भी ख्याल नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं है। इसका सपना ने कहा ना, मेरा इस घर में ना पहले कुछ था ना ही अब इस घर में कुछ है। तो हम तो यही कहेंगे, हमको बहुत अच्छा लगा है रेखा कि तुमने आज इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई है, और इस चीज को देखते हुए तकलीफ समझी है, और आज सपना के लिए तुमने स्टैंड लिया है और सपना के सपोर्ट में खड़ी हुई हो। इसी तरह एक बेटी दूसरे बेटी के साथ अगर खड़ी होती है तो शायद कुछ लोगों में शर्म आ जाए, या कुछ लोग डर के मारे ही सही इस चीज को बढ़ावा ना दे या बंद कर दे।
कहीं ना कहीं ये भी है, देखिए हम लोग को ये भी लग रहा है कि इतने खुलासे के बाद सपना उसी घर में रह रही है, पता नहीं क्या उसको सहन करना पड़ रहा होगा, क्या उसको झेलना पड़ रहा होगा, उसको खतरा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सूरज भी चले गए हैं, राजवीर भी नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुत चीजों में शंका जो है, इन लोग के डेथ बहुत लोगों ने शंका भी जाहिर की थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस सुपना को किसी भी हाल में प्रोटेक्शन की जरूरत है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अपने माँ के घर चली जाए, देखिए, और बहुत लोग जैसे रेखा ने भी कहा कि उस घर को मत छोड़ना, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो इसकी सेफ्टी के लिए सही हो वो कदम उठाया जाए और हर कोई नजर रखे। रेखा से भी कहेंगे कि तुम भी इनडायरेक्टली पीछे से किसी भी तरह से इस पर नजर रखो कि इसका भी गलत इसके साथ ना हो पाए। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। और आप लोग का क्या राय है वो हमको कमेंट में बताइएगा इस मैटर पे, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही तकलीफ वाला मैटर है। कल से सो नहीं पाए हैं जब से हमने सपना की वीडियो देखी है। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जल्दी मिलते हैं, क्योंकि अपनी जो गधी है ये भी दोनों जगह जाके त्राही माम मचाई हुई है, त्राही त्राही मचाई हुई है कमेंट्स करके, तो उस पर भी अभी नेक्स्ट वीडियो आती है। तब तक के लिए सपोर्ट करें सपना को।